मैं तो पहली बार देख रहा अपने नाभे दे विच के इन्ने ज़्यादा मुस्लिम भाईचारे नूं इकट्ठा करके रोजे खिलाए गए ने और बड़ा ही मन खुश होया भी इस तरह का पहली बार देखने को मिले भी असी गुरद्वारा साहब के रोजे खोल रहे हैं और अपने सिख भाईचारा सारे ही बड़े जोश के नाल सारे ही मुसलमान भाईचारे का बड़ा इस्तकबाल कर रहे हैं और उन्होंने बड़ी खिदमत कर रहे हैं। असी तो यही दुआ करते हैं अल्लाह अगे वाहेगुरू अगे भी जेड़ा ये सानू अज इन्ना इतने मान सम्मान दिता गया और रोजे खिलाए गए ने इस सिख भाईचारे को अल्लाह पाक तो यही दुआ करते हैं भी इन्हों चढ़ती कला च हमेशा रखी और इन्हों की जिंदगी दे विच बरकत अदा फरमाई और असी ये भी दुआ करते हैं भी जो ये संसार के उपर महामारी चल रही है करोना महामारी बहुत भयानक बीमारी है वाहेगुरू अगे अल्लाह अगे भी इस महामारी तो जल्दी लोगों को राहत मिले। महाराज ने कहा कि मानस की जात सभी एको पहचान वो तो इन्होंने अज मुस्लिम भाईचारे के पवित्र महीने के रोजे खिलाए ने गुरु घर के सोसाइटी ने यह दिखा दिता कि प्यार भावना नाल अगर असी एक हाँ अगर सानू साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने एक नाल जोड़िया होया तो सानू कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। ये सोसाइटी ने अज साबित करता कि मुस्लिम सिख ते मुस्लिम भाईचारा सारा एक है ते इन्हां ने सेवा भावना दे नाल पवित्र महीने दे विच रोजे खिलाए ने। जो पहली बार उपराला किया गया रमज़ान के महीने के अंदर छब्बीवां पाक रोज़ा खुलाया गया गुरद्वारा साहब के अंदर गुरद्वारा साहब अंदर नमाज अदा की गई। इस बारे बाबा फरीद जी प्रमाण करते हैं प्रीता बेनवाजा कुत्ते खत्री ब्राह्मण शूद वैश उपदेश चो वरना को सांझा मुसलमान मोम तिल होवै अंतर की मल दिल ते धोवै। बड़िया खुशियां गुरु दियां संगतां मना रहियां ने मुस्लिम भाईचारे नाल। मैं तो अकाल पुरख पिता अल्लाह खुदा
ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।